गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज बात करूंगा वेस्टीज वर्सेज एमवे। कौन सी कंपनी अच्छी है और हमें कौन सी कंपनी करनी चाहिए? एज ए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए न्यू ज्वाइनी, आपको क्या करना चाहिए? और यदि आप कोई कंपनी कर रहे हो वो तो भी आपको कंपेयर करना चाहिए कि विच इज द बेस्ट। दोस्तों, मैं यदि शुरुआत करूं तो शुरुआत पे वेस्टीज 2004, 6 जून 2004 में स्टार्ट हुई थी। सबसे अच्छी बात यह है कि एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है। इट मींस इसका 60% रेवेन्यू तो डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट होता ही होता है, प्लस 40% रेवेन्यू जो कंपनी के पास जाता है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया में रहता है। और सबसे अच्छी बात यहां यह है कि ये इंडियन कंपनी आज दूसरे देशों में जाकर के बिजनेस कर रही है, और वहां का जो 60% रेवेन्यू होगा जो डिस्ट्रीब्यूटर लेकर के आएंगे वो कहीं ना कहीं पैसा इंडिया में आएगा, यानी बाहर का पैसा इंडिया में आएगा। वहीं यदि मैं एमवे की बात करूं तो अमेरिकन कंपनी है, और कहीं ना कहीं हो सकता है 60% पैसा यहाँ लोगों में बांटा जाता है, लेकिन 40% पैसा जो कंपनी का है वो तो कहीं ना कहीं हमारे देश से बाहर पैसा जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि हमें इंडियन कंपनी क्यों करनी चाहिए और फॉरेनर कंपनी क्यों नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मैं यदि बात करूं, इंडिया की नंबर 1 कंपनी आज वेस्टीज है। वेस्टीज ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है, एवरेज 79% ग्रो इस कंपनी की है। वहीं एमवे आज दूसरे नंबर पर आ गया है, इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा, आप सोच सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, कैटेगरी की बात करते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट आज कंपनी के पास 300 प्लस प्रोडक्ट हैं, जबकि एमवे के पास 150 प्रोडक्ट है। बहुत बड़ा रीजन है, बहुत सारी कैटेगरी में काम कर रही है। और एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट हमें बताया जाता है, एक चीज हमें समझाई जाती है, बोला जाता है कि आपको क्या करना है, आपको दुकान बदलनी है। नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट हम हर किसी को, हर नए आदमी को इसी तरीके से समझाते हैं कि आपको केवल और केवल अपनी दुकान बदलनी है, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, ये कंसेप्ट हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन क्या 150 प्रोडक्ट के साथ दुकान चेंज हो जाती है? सोचने वाली बात है। जबकि यहां वेस्टीज में 300 प्लस प्रोडक्ट इनके खुद के हैं, 1000 प्लस इनके साथ एसोसिएटेड हैं, यानी आप आटा चावल दाल जो आपकी घर की जरूरत है वो आप वेस्टीज से खरीद सकते हो। यानी कि सीधी सीधी बात है, आप ये कह सकते हो कि आपको अपनी दुकान बदलनी है तो चेंज योर शॉप का कंसेप्ट यहां कहीं ना कहीं लागू होता है। उसके बाद मैं यदि बात करूं प्रोडक्ट प्राइसिंग की, इंडियन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है और इंडियन कंसेप्ट पे काम करती है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की जो रेट है वो एमवे के प्रोडक्ट के मुकाबले बहुत सस्ती है। जहां मैं बात करूं एमवे के कैल्शियम की बात करूं, 720 रुपए का आता है, यहां 270 रुपए एमआरपी है। यदि यहां कुछ लोगों का ये वो आ जाता है कि यदि सस्ते प्रोडक्ट हैं तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है और क्वालिटी रिजल्ट से देखी जाती है। क्वालिटी की जहां तक बात आती है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकती, क्योंकि वो 100% मनी बैक गारंटी लेती है। और यदि 1 महीने तक आपको रिजल्ट नहीं आते हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप वापस कर सकते हो। तो कोई भी कंपनी घटिया प्रोडक्ट मार्केट में कैसे बेच सकती है? उसके बाद ये अच्छे प्रोडक्ट हैं और सस्ते हैं कंपेरिजन ऑफ एमवे, इसलिए इस कंपनी में बिजनेस करना लोगों के लिए बहुत आसान होता है। यहाँ रीपर्चेज बहुत ज्यादा आता है, लोग बार बार परचेज करते हैं, और रीपर्चेज के लिए सबसे अच्छा कंपनी की एक कंसिस्टेंसी ऑफर रहता है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा रीपर्चेज आता है। वही एमवे में हम देखें तो रीपर्चेज बहुत कम आता है। एक बार आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, अगला मोटिवेट होता है, प्रोडक्ट ले लेता है, लेकिन वो दोबारा परचेज करने के लिए कम जाते हैं, रेशियो कम रहता है। उसके बाद यदि हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की, एमवे का ऑल ओवर स्टेट में आपको 1 से 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मिलेंगे, जबकि वेस्टीज का आपको हर 5 किलोमीटर में डीएलसीबी डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इंडिया है, यहां सब ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करते हैं, और ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो भी होम डिलीवरी गांव तक नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशन में आप किसी को यदि बिजनेस बताने जाओ वो कहेगा ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, सामान कहां से लेना है? अब सामान लेने के लिए उसको आप कहोगे कि आपको 300 किलोमीटर दूर जाना है, तो कौन आपका सामान लेगा? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये इसका सोल्यूशन वेस्टीज ने निकाला है। हर 5 किलोमीटर में इनका शॉप है और 5 किलोमीटर जनरली लोग अपने गांव से निकल के शहर तक सामान परचेज करने के लिए जाते ही जाते हैं। उसके बाद मैं यदि बात करूं आईडी, आपको जब एक देश से दूसरे देश में बिजनेस करना होता है तो एमवे में आपको उस देश की अलग आईडी बनानी पड़ती है, जबकि वेस्टीज में एक ही आईडी पे, सिंगल आईडी पे आप अलग अलग देशों में बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों लॉजिक वाली बात है, किसी भी कंपनी में या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो क्रूशियल टाइम होता है वो होता है उसका इनिशियल पीरियड। एक लीडरशिप लेवल तक पहुंचने का जो टाइम होता है वो उसके लिए बहुत क्रूशियल होता है। तो यहां आपने वेस्टीज में एक बार अपना बिजनेस बनाया, लीडरशिप लेवल अचीव किया, उसके बाद आप उसको एंजॉय करते हो, एक देश में नहीं दूसरे देश में तीसरे देश में ऑल ओवर वर्ल्ड आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। जबकि एमवे में आपको वही बेसिक्स काम दूसरे देश में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो करने पड़ते हैं, और वही बेसिक्स से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये आप सोच सकते हो कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। उसके बाद यदि मैं बात करूं कम्युनिकेशन,
वेस्टीज में आपको यदि मैनेजमेंट से बात करनी है तो बड़े आसानी से आप अपनी चीजें उनको कम्युनिकेट कर पाओगे, आप बात कर पाओगे। और एमवे में जो हैं वो जान सकते हैं, जो नहीं है वो जो है उनसे पूछ सकते हैं कि कितना कम्युनिकेशन होता है एमवे में। आप अपने बीडीएम से बात करने से पहले भी हजार बार सोचते हो, वो भी एक आम आदमी डिस्ट्रीब्यूटर से बात नहीं करता है। तो ये बात रही कंपनी की और प्रोडक्ट की। उसके बाद मैं यदि बात करूं जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, यहाँ वेस्टीज 10 से 20% डिस्काउंट ऑफर करती है, वो 10 से 20% डिस्काउंट देती है, जबकि एमवे में जो ऑफर किया जाता है वो नहीं दिया जाता है। और आगे बात आती है लीडरशिप लेवल आने तक की। दोस्तों किसी भी कंपनी में यदि आप अच्छे पैसे बनाना चाहते हो तो वो अच्छे पैसे लीडरशिप लेवल से आना स्टार्ट होते हैं। और लीडरशिप लेवल जहां वेस्टीज में 3 लाख रुपए के बिजनेस पर आपको मिल जाता है, वो ही लीडरशिप लेवल एमवे में 10 लाख का बिजनेस करने पर मिलता है। तो ह्यूज डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एक चीज जो यहां मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि वेस्टीज एक्युमुलेशन का प्लान है। आपका पिछले महीने का बिजनेस जीरो नहीं होता है, जबकि एमवे में पिछले महीने का बिजनेस जीरो हो जाता है। यहां वेस्टीज में आपका प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं होता है, जबकि एमवे में अगले महीने आपका लेवल जीरो से स्टार्ट होता है और आप अगले महीने जो अचीव करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका लेवल माना जाएगा। दोस्तों यहां एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो ये आती है, जैसे 9000 पीवी आपने वेस्टीज में कर लिया अप्रैल में आपने 9000 पीवी किया और 1000 पीवी आपकी नहीं हुई, 10000 पीवी होने पर आपका पहला लेवल लीडरशिप लेवल आएगा। आपकी 10000 पीवी में 1000 पीवी कम है तो कोई बात नहीं, आप अगले महीने आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको 9000 पीवी का बिजनेस पहले से ही किया हुआ मिलेगा और आप 1000 पीवी और करोगे और आप अपना लेवल अचीव कर लोगे। जबकि एमवे में क्या होता है, अप्रैल महीने में यदि आपने 9000 पीवी की है और आपने 1000 पीवी और नहीं की है, आप मई में जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको 10000 पीवी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहां एक सोचने वाली बात है, सुनने समझने वाली बात है। यहां क्या होता है कि उस लीडर पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि या तो मैं अभी 1000 पीवी कैसे जैसे कर लूं, नहीं तो फिर अगले महीने फिर से मुझे 10000 पीवी करनी पड़ेगी। तो वहां फिर डंपिंग होती है और बहुत सारे एमवे में लोग डंपिंग करके और सामान इकट्ठा कर करके और रैप कटिंग में बेचते हुए पाए जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात होती है रिक्वालिफिकेशन। दोस्तों क्योंकि ऐसा बिजनेस प्लान है वेस्टीज का कि यहाँ रिक्वालिफाइड लोग जनरली हो जाते हैं। आप सामान्यतया हर जो लीडर एक लेवल अचीव करता है, अगले महीने उसे अगले महीने उस अगले महीने उस लेवल को अचीव करता रहता है और अपग्रेड होता रहता है, लेकिन एमवे में 80% लोग हैं वो रिक्वालिफाई नहीं होते हैं। उनका जो पिछले साल का लेवल होता है वो अगले साल नहीं होता है, पिछले महीने का जो लेवल होता है वो अगले महीने नहीं होता है। केवल और केवल वो पुराने लेवल के अकॉर्डिंग ही अपने आप को शो करते रहते हैं। एक चीज और जहां ध्यान देने वाली है, वेस्टीज में हर लीडर आपको अपना चेक दिखा देगा, बैंक स्टेटमेंट दिखा देगा, वो ये कहेगा कि मेरा ये पे आउट आया है। वो इजी वे में पे आउट दिखाते हैं क्योंकि पे आउट आता है। और एमवे में लोग लीडर अपना पे आउट नहीं दिखाते हैं, इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि लेवल अचीव कर लेते हैं, डंपिंग करके अचीव कर लेते हैं, कैसे जैसे अचीव कर लेते हैं, अगली बार रिक्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। और रिक्वालीफाई नहीं कर पाते हैं इसका मतलब अगली बार पे आउट नहीं आता है, तो वो लीडर अपना पे आउट नहीं दिखा पाते हैं। तो मैं ये कहूंगा जो ऑलरेडी एमवे में काम कर रहे हैं, प्लीज और प्लीज एक बार अपने लीडर से अपना उसका पिछला एक साल का पे आउट दिखाने के लिए जरूर बोलें। उसके बाद दोस्तों वेस्टीज में सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो होता है लीडर क्रिएट करने का। यहाँ एक एलओबी का कंसेप्ट है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस यहाँ दिया जाता है, यानी आप जितने लीडर क्रिएट करोगे उतना ही आपका बड़ा बिजनेस होगा। लेकिन एमवे में ऐसा नहीं होता है। एमवे में जिस ग्रुप से आपकी 10000 पीवी हो गई है उस ग्रुप से आपको कुछ भी नहीं मिलता है, 1 रुपया नहीं मिलता है एज ए लीडर। और एज ए लीडर यदि आपको कहीं से 1 रुपया नहीं मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका उस ग्रुप से फोकस नहीं रह पाता है और आप डिफोकस होकर के दूसरे ग्रुप क्रिएट करना शुरू कर देते हो और उस लीडर को सपोर्ट नहीं मिलता है जो इसने 10000 पीवी का बिजनेस दिया है। तो इसलिए ग्रोथ कम होती है, जबकि वेस्टीज में लीडर के नीचे लीडर, लीडर के नीचे लीडर, उनको सपोर्ट किया जाता है क्योंकि वहां उनको सपोर्ट करने का पैसा मिलता है। अब आगे मैं एक चीज और बात करूंगा साइड वॉल्यूम की। जहां एमवे में 10 लाख का बिजनेस यदि आपका कोई डाउनलाइन दे देता है और आपको साइड वॉल्यूम करनी पड़ती है, वो 4 लाख रुपए करनी पड़ती है। यदि आप 4 लाख से कम करते हो तो आप लीडर नहीं कहलाते हो, आपको लीडरशिप बोनस नहीं मिलता है। जबकि वेस्टीज में आपको साइड वॉल्यूम मात्र 54000 रुपए की करनी पड़ती है। बहुत ह्यूज डिफरेंस है जो यहाँ की फोकस किया जा सकता है। उसके बाद मैं यदि बात करूं ट्रेनिंग की, वेस्टीज की ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ ट्रेनिंग देने के कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। जबकि आपके एमवे में एक सिस्टम बना रखा है ट्रेनिंग सिस्टम, उससे भी लोग पैसे बनाते हैं और लीडर्स वहां महंगी महंगी टिकट बेच करके वो उसको भी एक बिजनेस का जरिया बनाया हुआ है। उसके बाद यदि मैं फॉरेन ट्रिप की बात करूं, फॉरेन ट्रिप की जहां बात है, एब्रोड के जो भी ट्रिप होते हैं वो
वेस्टीज में एक ट्रेवल फंड आपको दिया जाता है, उस ट्रेवल फंड में आपके जितने पैसे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका बाहर का ट्रिप डिसाइड होता है, फॉरेन का ट्रिप डिसाइड होता है। उसमें यदि आपके पैसे कम हैं तो आप अपने जेब से पैसे लगाकर भी फॉरेन ट्रिप कर सकते हो, रिमेनिंग पैसे आप अपनी जेब से दे सकते हो। लेकिन एमवे में ऐसा नहीं है, एमवे में पॉइंट सिस्टम है, और यदि आपका आधा पॉइंट भी कम रह गया तो इसका मतलब आप फॉरेन ट्रिप पे नहीं जाओगे। तो लोगों का सपना होता है फॉरेन ट्रिप, और वो भी कई बार लोगों का यहाँ छूट जाता है, नहीं अचीव कर पाते हैं। इसके बाद वेस्टिज में मिलता है कार फंड, एमवे में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वेस्टिज में मिलता है हाउस फंड, एमवे में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये कुछ कंपैरिजन थे दोस्तों जो मैंने किए हैं, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीजें शेयर की हैं। मैंने दोनों कंपनी को बड़ी क्लोजली देखा है और दोनों कंपनी की सक्सेस रेट को मैंने बड़ी क्लोजली देखा है, और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लीडर्स एमवे छोड़ करके वेस्टिज में क्यों जा रहे हैं, उसकी वजह कहीं ना कहीं ये है। इसलिए एमवे के बहुत सारे लीडर्स छोड़ करके और वेस्टिज में जा रहे हैं और वहां बेस्ट अचीव कर रहे हैं। तो अगर आपको भी वेस्टीज के साथ जुड़ना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या फिर उस पर्सन को कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको ये वीडियो फॉरवर्ड की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेल्थ।